सत श्री अकाल जी सारिआं। पंजाब दी आम जानकारी दा भाग चौथा शुरू करन लगे हां। प्रश्न 61, सिख धर्म दे कुल किन्ने तख्त हन? तां तुसीं इह दसणा कि सिख धर्म दे कुल किन्ने तख्त हन। तां सिख धर्म दे कुल किन्ने तख्त है? 5। तां इसदा जिहड़ा सही उत्तर है जी आड़ा, सिख धर्म दे कुल 5 तख्त हन। उत्तर तुसीं नोट कर सकदे हो, 5 आड़ा। प्रश्न 62, सिख धर्म के सतवें गुरु कौन सन? तो तुसीं दसना कि सिख धर्म के जिहड़े सतवें गुरु सन उन्हां दा नां की सी। तां सिख धर्म के जिहड़े सतवें गुरु सी उन्हां दा नां सी श्री गुरु हर राय जी। श्री गुरु हर राय जी, तो इसका जिहड़ा सही उत्तर है वह ईड़ी श्री गुरु हर राय जी, सिख धर्म के सतवें गुरु सन। तो इसका जो सही उत्तर है वह ईड़ी है, तुसी नोट कर सकते हो, श्री गुरु हर राय जी। प्रश्न 63, PV31 कितों के वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है? तो तुसी दसना है कि PV31 कितों के, जेडे चाहे ट्रैक्टर है चाहे गड्डी है चाहे ट्रक है, वह कितों के जेडे साधन या वाहन है उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जो PV31 रजिस्ट्रेशन नंबर है वह जिला मानसा का है। तो तुसी इसका जो सही उत्तर है नोट कर सकते हो, आड़ा मानसा। PV31 जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह जिला मानसा का है। अगला क्वेश्चन है जी, PV03 कितों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर है? यानी कि PV03 किहड़े ट्रकां मगर या किहड़ियां गड्डियां मगर लिखा होंगे, तो किहड़े जिले का यह रजिस्ट्रेशन नंबर है? तो PV0 जिहड़ा 3 है वह बठिंडे जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो इस जिहड़ा सवाल है सही उत्तर है सस्सा बठिंडा। PV03 बठिंडे नाल संबंध रखता है। तो इसका जो सही उत्तर है सस्सा बठिंडा। अगला क्वेश्चन है जी, पंजाब केसरी किसनूं कहा जाता है? जा पंजाब केसरी किहनूं कहा जाता है? तो पंजाब केसरी किहनूं कहा जाता है? लाला लाजपत राय नूं। तो इसका जो सही उत्तर है जी आड़ा। पंजाब केसरी किहनूं कहा जाता है? लाला लाजपत राय। तो तुसीं इसका जो सही उत्तर नोट कर सकते हो, आड़ा लाला लाजपत राय। लखी जंगल कित्थे है? लखी जंगल बेसिकली बीड है, दरख्तां दा जिहड़ा इकट्ठ है उत्थे जिहड़े जानवर रहिंदे है, जीव जंतु रहिंदे है। तो जिहड़ा लखी जंगल है किहड़े जिले दे विच पैंदा? तां लखी जंगल है जिहड़ा बठिंडे दे विच पैंदा। इसका जिहड़ा सही उत्तर है वह है सस्सा बठिंडा। लखी जंगल नूं लखी जंगल बीड़ लखी जंगल कहा जाता है। तो इहदा जिहड़ा सही उत्तर है वह है बठिंडा। लखी जंगल कित्थे है? बठिंडे च। तो तुसीं इसका उत्तर नोट कर सकते हो, इसका उत्तर है सही सस्सा बठिंडा। अगला प्रश्न है 67, बठिंडे विच कुल किन्ने पिंड हन? तो तुसीं दसना है कि बठिंडे जिले दे विच कुल किन्ने पिंड हन? तो इसका जिहड़ा सही उत्तर है जी आड़ा, बठिंडे दे विच 268 पिंड है। तो इसका जिहड़ा सही उत्तर है जी आड़ा, 268 पिंड। यानी कि बठिंडे दे विच कुल किन्ने पिंड पैंदे है? 268। तुसीं सही उत्तर नोट कर सकते हो, आड़ा 268। अगला क्वेश्चन है जी, फतेह बुरज कित्थे स्थित है? तो तुसीं दसना है कि फतेह जिहड़ा बुरज है वह किहड़े जिले दे विच पैंदा है? तो इसका जिहड़ा सही उत्तर है जी साहिबजादा अजीत सिंह नगर। यह चप्पड़चिड़ी दे स्थान दे नाते बनिया हुए स्थान ते बनिया हुए ते जिला इहनूं पैंदा मोहाली, यानी कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर। तो फतेह बुरज जिहड़ा वह बंदा सिंह बहादुर उहदी याद दे विच बनाया गया। तो इसका जिहड़ा सही उत्तर है सस्सा साहिबजादा अजीत सिंह नगर जां मोहाली। तो सही उत्तर नोट कर सकते हो सस्सा। विरासत खालसा कित्थे स्थित है? यानी कि सिख धर्म रिलेटड जी सारी विरासत है या पंजाब की जी सारी विरासत है उसके रिलेटड जी जगह बनाई गई उसका नाम है विरासत ए खालसा। तो विरासत खालसा कित्थे स्थित है? विरासत खालसा है जी अपना श्री आनंदपुर साहब, श्री आनंदपुर साहब विरासत खालसा। तो तुम इसका सही उत्तर नोट कर सकते हो, इसका सही उत्तर है ईड़ी श्री आनंदपुर साहब। अगला जी, नैशनल हाईवे चौंठ जिहड़ा किहड़े दो शहरां नूं जोड़दा है? तो उहदा जिहड़ा नैशनल पंजाब दे विच किहड़े दो शहरां नूं जोड़दा है जिहड़ा NH 64 है? NH 64 किहनूं जोड़दा है?
चंडीगढ़ तो लेके डबली तक, चंडीगढ़ तो लेके डबली तक। तो जरा यह दो जो शहर आ जाते पटियाला भवानीगढ़ संगरूर तपा बरनला बठिंडा डबली, तो जरा यह नैशनल NH 64 है, दो कि जिले जोड़ता या दो कि शहर जोड़ता चंडीगढ़ डबली, चंडीगढ़ डबली इसका सही उत्तर है। ईडी इसका सही उत्तर नोट कर सकते हो। अगला है NH 1A नैशनल हाईवे कि दो शहर जोड़ता है, तो नैशनल हाई एक ए कि जोड़ता है, तो इसका जोड़ा नॉर्थ एंड है जी वह उड़ी जम्मू कश्मीर पंजाब जलंधर, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है सस्सा उड़ी तो जलंधर, उड़ी जम्मू कश्मीर जलंधर पंजाब के, तो यह दो शहर जोड़ता है, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है जी वह सस्सा उड़ी जलंधर। अगे सिख धर्म के दसवें गुरु कौन सन, तो सिख धर्म के जो दसवें गुरु से जिन्होंने खालसा पंथ की साजना की उन्होंने नाम अगर सिंह लगता है, तो वह सन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, इसका जोड़ा सही उत्तर है वह है आड़ा, तो इसका सही उत्तर नोट कर सकते हो आड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखा के दसवें गुरु सन। अगला सिख धर्म के पहले गुरु कौन सन, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है वह तुम जानते हो ऊड़ा श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की जी स्थापना की, सिख धर्म के पहले गुरु सन, तो इसका सही उत्तर आऊगा श्री गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के अठवें गुरु कौन सन, तो सिख धर्म के जेडे अठवें गुरु सन वह सन श्री गुरु हरकृष्ण जी, सिख धर्म के जेडे अठवें गुरु सन वह कौन सन श्री गुरु हरकृष्ण जी, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है जी वह सस्सा तुम नोट कर सकते हो। सिखा के अठवें गुरु कौन सन श्री गुरु हरकृष्ण जी, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है जी वह सस्सा। महाराजा रणजीत सिंह की मौत कदों हुई, तो महाराजा रणजीत सिंह की जी मौत है जी 1839 ईस्वी के हुई सी, तो महाराजा रणजीत सिंह की जी मौत है जी 1839 ईस्वी के हुई सी, इसका जोड़ा सही उत्तर है जी ईडी 1839 ईस्वी, तो तुम इसका सही उत्तर जो नोट कर सकते हो ईडी 1839 ईस्वी। पहला अंग्रेज सिख युद्ध कदों हुआ, जो कह देंगे पहला एंग्लो सिख युद्ध कदों हुआ, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है जी वह है 1845 तो लेकर 1846 ईस्वी तक, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है जी वह है ऊड़ा 1845 तो लेकर 1846 तक पहला जोड़ा अंग्रेज सिख या एंग्लो सिख युद्ध होया, तो उस इसका जोड़ा सही उत्तर है तुम नोट कर सकते हो वह है ऊड़ा 1845 तो लेकर 1846। अगला क्वेश्चन है 77वां दूजा एंग्लो सिख युद्ध कदों होया या दूजा अंग्रेज सिख युद्ध कदों होया, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है वह 1848 तो लेके 1849 तक, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है वह जी ईडी 1848 तो लेके 1849 ईस्वी तक, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है तुम नोट कर सकते हो 1848 तो लेके 1849 ईस्वी तक। अगे पंजाबी भाषा की वर्णमाला विच कुल किन्ने अक्षर हैं, तो यह आपां जानदे हां कि पंजाबी भाषा की जिहड़ी वर्णमाला उहदे विच टोटल 35 अक्षर हैं, तो इसका जोड़ा सही उत्तर है वह है ऊड़ा 35। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी पंजाब विच वरती जाती पंजाबी लिपि दसो, तो पश्चिमी पंजाब यानी कि जिहड़ा पाकिस्तान वाला पंजाब है जिहनूं लहिंदा पंजाबी कहा जाता है, तो उस विच जिहड़ी पंजाबी बोली जाती उहदी जिहड़ी लिपि है लिखी जाती है उहदी लिपि है शाहमुखी, तो इसका जिहड़ा सही उत्तर है जी वह है आड़ा शाहमुखी, आड़ा शाहमुखी, तो इहदा सही उत्तर तुसीं नोट कर सकते हो आड़ा शाहमुखी। अगला क्वेश्चन है 80वां मिर्जा साहबा का किस्सा किहदा मकबूल होया, मिर्जा साहब का किस्सा लिखिया ने बहुत है पर सब तो ज्यादा जिहदा मकबूल होया तो उसका नाम जी पीलू, पीलू शायर, तो उसका जो इसका जो सही उत्तर है कि मिर्जा साहबा का किस्सा जिहदा मकबूल होया वह है पीलू, इसका सही उत्तर है जी आड़ा, तुम नोट कर सकते हो आड़ा पीलू जी। अगला तुम देख सकते हो तो गिन भी सकते हो कि जिहड़ी पंजाबी दी वर्णमाला उस दे विच कुल 35 अक्षर हैं, तो उस दे विच कुल किन्ने अक्षर हैं 35 अक्षर हैं, तुसी इह देख सकदे उस दे विच कुल किन्ने अक्षर है 35 अक्षर। तो अगला जिहड़ा किस्सा जी मिर्जा साहब का किस्सा किहदे द्वारा लिखा गया जी पीलू द्वारा, तो मिर्जा साहब का किस्सा किहदे द्वारा लिखा गया पीलू द्वारा। यह अज दी पंजाब दी आम जानकारी की चौथी वीडियो सी, तीजी वीडियो देखने लई तुसी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे लिंक
ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।